सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टेक ग्रिप। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक मैसेंजर से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन वही हर बार की तरह, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप फेसबुक यूजर है तो आप मैसेंजर भी जरूर यूज करते होंगे, और आपको फेसबुक मैसेंजर पर आपका कोई फ्रेंड कोई वीडियो भेजता है या फिर कोई ऐसी क्लिप भेजता है जिसको आप ओपन करने के लिए जाते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको प्ले करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये एरर आ जाता है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। तो गाइज अगर आप भी फेस करिए इस प्रकार की प्रॉब्लम को, इस प्रकार के एरर को, तो आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको 101% देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 101% आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने वाली है। तो ज़्यादा समय लगवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को, आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि गाइज आपकी जो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। उसके लिए गाइज आपको सबसे पहले बिल्कुल ही बैक आ जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर गाइज कुछ ऐसी वीडियोज होती हैं जो आपके मोबाइल के जो वर्जन है उसको सपोर्ट नहीं करती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई वीडियो जो आपने डाउनलोड की है वो एक हाई क्वालिटी की वीडियो हो, उसका रेजोल्यूशन हाई हो, जो आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से भी आपको इस तरह का ये एरर शो हो जाता है। या फिर गाइज इसका एक अलग से रीज़न ये हो सकता है कि जब आप अपने वीडियो को डाउनलोड कर रहे होते हैं और उसी समय आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपको इस तरह की ये प्रॉब्लम फेस हो जाती है, इस तरह का ये एरर शो हो जाता है। तो गाइज आपकी वीडियो प्रॉपरली डाउनलोड हो चुकी है और उसके बाद तब आप उसको ओपन करने के लिए जाते हैं, अगर तब भी ये प्रॉब्लम फेस होती है तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक स्टेप को फॉलो कर लेना, और उन बेसिक स्टेप के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आपका प्ले स्टोर है उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर देना है मैसेंजर। जैसे ही आप मैसेंजर यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर ओपन लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ मिलता है तो आपको यहाँ से अपने मैसेंजर को अपडेट कर लेना है। क्या होता है दोस्तों, काफ़ी लोग अपने मैसेंजर को अपडेट काफ़ी समय से नहीं करते हैं, जिसके बाद उनको मैसेंजर पर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको अपडेट लिखा हुआ मिलता है तो आपको अपने मैसेंजर को अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप उसको अपडेट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अगर जिन लोगों की प्रॉब्लम सेम एज इट इज बनी रहती है, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो उनको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाना है। और जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, उस नेक्स्ट स्टेप से आपकी मैसेंजर के अंदर अगर किसी और बंदे को कोई और प्रॉब्लम भी फेस हो रही है वो भी सॉल्व होने वाली है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ऐप्स पर क्लिक कर देना है, उसके बाद मैनेज ऐप्स पर टैप करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर देना है मैसेंजर। जैसे ही आप यहाँ पर मैसेंजर सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देने हैं। फिर आपको नीचे की तरफ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको क्या करना है, जो क्लियर डाटा है इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ से एक बार इसका क्लियर कैच कर देना है, और आपको जाकर देख लेना है अगर आपका जो मैसेंजर है, जो वीडियो है, वो प्ले होने लग गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगेन यहाँ पर आना और इस बार आपको कर देना है इसका क्लियर ओल्ड डाटा। जैसे ही आप इसका क्लियर ओल्ड डाटा कर देंगे तो 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन गाइज मैसेंजर को ओपन करने से पहले आपको ऐप परमिशन पर आना होगा। यहाँ से जितनी भी ये परमिशन है आप देख सकते हैं, फ़ोन है, माइक्रोफोन है, लोकेशन है, फाइल एंड मीडिया है, खास करके ये जो फाइल एंड मीडिया है इसको आपको यहाँ से ये परमिशन सभी अलाउ कर देनी है। ये अलाउ कर देने के बाद अब मैं आपको फाइनली एक और बात बताता हूँ, जब आप मैसेंजर के ऊपर ही वीडियो को ओपन करने के लिए जाते हैं तब आपको अपने इंटरनेट को भी अच्छे से जांच लेना है, आपको देख लेना है आपके इंटरनेट की स्पीड के अंदर कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू आ रहा है तो आपको ऊपर से जो आपका नोटिफिकेशन बार है उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ एरोप्लेन मोड दिखाई देगा, आपको एक बार इस पर टैप कर देना है, और कुछ सेकेंड्स के बाद आपको अगेन इस पर टैप करना है, जिसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा और आपके इंटरनेट वगैरह के स्पीड के अंदर कोई इस तरह का इशू होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ से फिक्स हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी किसी की प्रॉब्लम सेम बनी रहती है तो फाइनली उनको अपने फेसबुक को ओपन करना होगा। फेसबुक ओपन कर लेने के बाद आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर टैप कर देना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वेयर आर यू लॉग्ड इन वाला ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह के ये इंटरफेस आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर मैसेंजर वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप चौथे नंबर पर देख सकते हैं, शाओमी MI 10i 5G मैसेंजर 20 आवर्स एगो। तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट्स पर, सॉरी
आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना है लॉग आउट। लॉग आउट कर देने के बाद जैसे ही आप अपने मैसेंजर को ओपन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज आपको इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है जिससे गाइज जो आपकी प्रॉब्लम है मैसेंजर से जुड़ी हुई वो 101% सॉल्व होने वाली है। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंद।